सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं आप सभी को गांधी एवं शास्त्री जयंती की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। वार्ता शुरू करने से पहले मैं जन सरोकार मंच का धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने मुझे अपनी बात कहने के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया और मुझे जो विषय दिया गया, चूँकि आज गांधी जयंती है, जो विषय मुझे दिया गया है गांधी से क्या सीखें। मित्रों, गांधी से सीखने को बहुत कुछ है, जितना सीखे उतना कम है। एक बार किसी व्यक्ति ने गांधी जी से कहा था कि जनता के लिए आप क्या संदेश देंगे, तो गांधी जी का जवाब था कि मेरा जीवन ही संदेश है। तो इसका मतलब यह है कि उनकी जो भी जीवनचर्या थी उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर चूंकि किसी एक विषय पर मैं अपने आप को केंद्रित करूं, इसलिए मैं चाहूँगा कि हम गांधी के निर्भयता और निर्भेर विषय पर मैं बात करूँ। गांधी जी कहते हैं कि अभय के बिना सत्य की खोज नहीं की जा सकती और अभय के बिना अहिंसा का पालन भी कैसे हो सकता है। अभय के बिना न तो कोई नैतिकता है, न धर्म है, न प्रेम है। इसी प्रकार आगे वो कहते हैं कि निर्भयता जो आती है वो अपने अंदर के बल से आती है। विभिन्न प्रकार के शस्त्र अस्त्र या अंगरक्षक रखने से निर्भयता नहीं आती है। निर्भयता जो आती है वो आपके अहिंसा और प्रेम के कर्मों से आती है। तो तात्पर्य है कि सत्य और अहिंसा का विकास निर्भयता के द्वारा ही तय होता है। इसीलिए गांधी ने निर्भयता को, अभय को सबसे ऊपर रखा, सबसे प्रथम रखा। क्योंकि यदि आदमी निडर है, कोई भय नहीं है किसी भी चीज का, तो वह न सत्य से डिगेगा न वो हिंसा करेगा। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि भय जो है, एक भय होता है शारीरिक, जिसमें चोट लगने का भय, एक्सीडेंट हो जाने का भय, या पागल कुत्ते काटने का भय, किसी के द्वारा पीट लिए जाने का भय, और एक होता है मानसिक धरातल पर अपमान हो जाने का भय, हानि हो जाने का भय, अपयश हो जाने का भय। इसी तरह से किसी के द्वारा निंदा किए जाने का भय, ये इस तरह के भय हैं। और सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। तो गांधी ने अपने जीवन में सबसे पहले जो मूल व्रत का पालन किया वो अभय का किया, निर्भय होने का किया और निर्भय होने का भी किया। तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं, कहीं भी कोई लाचारी होती है तो कोई भी आदमी ये कहता हुआ नजर आता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो मित्रों, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी न कहा जाकर मेरे राय में मजबूती का नाम महात्मा गांधी कहा जाना चाहिए। क्योंकि गांधी जितना मजबूत और निडर निर्भय व्यक्ति सदियों में नहीं पैदा हुआ। तो पहली बात तो यह कि आगे बढ़े अपन, तो उससे पहले चूंकि गांधी जी ये कहा करते थे कि हिंसा का जवाब हिंसा से न दिया जाए, अहिंसा से ही प्रतिकार किया जाए, पाप से घृणा की जाए, पापी से नहीं की जाए, प्रतिकार जरूर किया जाए। मतलब हिंसा का प्रतिकार
नहीं करें, ऐसा गांधी नहीं कहते थे, प्रतिकार करें पर अहिंसक तरीके से करें। तो लोगों ने गांधी की इस व्यवहार को, आचरण को, कुछ लोगों ने गांधी की कायरता कहा और ऐसा लांछन लगाया गया कि ये कायरों का काम है। तो गांधी ने इसके जवाब में एक बड़ा आलेख लिखा, तलवार का न्याय। वो आलेख काफ़ी लंबा है, वो उसके कुछ अंश जो है मैं पढ़ के सुना देता हूँ। वो इस प्रकार है, मैं ये विश्वास जरूर रखता हूँ कि अगर मुझे सिर्फ बुद्धिजीवी और हिंसा में ही चुनाव करना हो तो मैं हिंसा को ही चुनना पसंद करूँगा। मैं ये पसंद करूँगा कि हिंदुस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए हथियारों की मदद ले, बनिस्पत इसके कि वह कायरों की तरह खुद अपनी बेइज्जती का ऐसा ही शिकार होकर न रह जाए। लेकिन मेरा विश्वास है कि अहिंसा हिंसा से कहीं ऊंची है। सजा की बनिस्पत माफ़ी देना कहीं ज़्यादा बहादुरी का काम है। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि हिंदुस्तान कायर है, न मैं यही समझता हूँ कि मैं बिल्कुल ऐसा आई हूँ। कोई मुझे समझने में गलती न करे, ताकत शारीरिक बल से नहीं आती, वह तो अदम्य इच्छा शक्ति से ही आती है। और मैं हिंदुस्तान को अहिंसा का रास्ता इख्तियार करने के लिए इसलिए नहीं कहता कि वह कमज़ोर है, मैं चाहता हूँ कि वह अपनी ताकत और अपने बल भरोसे को जानते हुए अहिंसा पर अमल करें। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ये पहचान ले कि उसके पास एक आत्मा है जिसका नाश नहीं हो सकता और जो शारीरिक कमजोरियों पर विजय पा सकती है और सारी दुनिया के शारीरिक बलों का मुकाबला कर सकती है। तो गांधी जी का कहना यह है कि किसी भी अन्याय का प्रतिकार जरूरी है पर अहिंसक तरीके से, उसको कायरता नहीं मानी जाए। इस लेख से स्पष्ट होता है कि गांधी जी ने को अगर विकल्प दो ही मिले हों, हिंसा का या कायरता का, तो वो उन्होंने कहा कि मैं हिंसा को चुनूंगा, कायरता में दम नहीं है। तो गांधी के लिए ये मूल मंत्र हो गया कि अगर सत्य को खोज करना है, अहिंसा का पालन करना है, तो अभय होना, निडर होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि गांधी कभी डरे नहीं, उन्होंने ये स्वीकार किया कि मैं बचपन में बहुत डरपोक था, बहुत डरता था। उनके पिता ने उनके भाई के साथ उनको एक संस्कृत स्कूल, संस्कृत अध्यापक के पास पढ़ने के लिए रख दिया। वहाँ उनके पास एक वृद्धा स्त्री रहती थी, तो गांधी जी उनसे बात करते थे। तो गांधी जी ने कहा, अम्मा मुझे बहुत डर लगता है और आँख मीचते ही अंधेरे में तो मुझे भूत दिखने लगते हैं, बहुत डरता हूँ। तो उस अम्मा ने बालक मोहनदास को एक ही मंत्र दिया, बेटा राम रक्षा मंत्र का जाप कर लिया कर जब भी डर लगे। गांधी ने यही किया, वो उसका राम रक्षा मंत्र का जप करे और गांधी ने कहा कि इसके बाद मेरा डर भाग गया और वाकई वो निडर हो गए। तो अब उन्होंने ये तय कर लिया कि डर जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो जीवन भर वो किसी भी ताकत से नहीं डरे। अब कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिससे हमें ये लगे, या ऐसी कौन कौन सी गांधी जी की जीवन में घटनाएं घटी जिससे हमें लगे कि गांधी जी ने निडर होने का प्रमाण दिया, झुके नहीं और अपने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते रहे। तो मित्रों, मैं कुछ घटनाएं उनके जीवन की रखता हूँ जिससे पता चलेगा कि गांधी जी कितने निडर थे, कितने बहादुर थे, और वो भी बिना अस्त्र शस्त्र के, निहत्ते
केवल सत्य और अहिंसा के बल पर। तो मित्रों, सब हम सब जानते हैं कि बैरिस्ट्री करने के बाद वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका में पहला वाक्य उनके साथ होता है कि प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने पर, टिकट होने पर भी एक गोरे व्यक्ति ने उसको, गांधी को, डिब्बे से बाहर फेंकवा दिया, उनका सामान फेंक दिया गया। ये घटना गांधी के जीवन के लिए बड़ा मोड़ साबित हुई और गांधी का सामाजिक विरोध करने की एक यात्रा शुरू हो गई यहीं से। तो गांधी अपने सामान को लेके ठंडी रात में वहाँ जिस स्टेशन पर फेंका गया था उनको वहाँ बेंच पे पूरी रात उन्होंने बैठे बैठे काटी। उनके मन में कई तरह के विचार आए, सोचा क्या करना चाहिए। तो उनके विचारों को लुई फिशर, एक अमेरिकी पत्रकार हुए हैं जिन्होंने गांधी के जीवन को और राष्ट्रीय आंदोलन को पूरा कवर किया है। और लुई फिशर ने 1953 में द लाइफ ऑफ महात्मा एक पुस्तक लिखी है जिसमें इस घटना के बाद गांधी के जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या विचार रहे, लुई फिशर ने अपने शब्दों में उसको इस प्रकार लिखा है। वो लिखते हैं, क्या गांधी को भारत लौट जाना चाहिए? इस कांड ने एक विराट परिस्थिति को प्रतिबिंबित किया। क्या उन्हें इसे खुद ही सुलझाना चाहिए और अपनी निजी क्षति की भरपाई कर, मुकदमे को रफा दफा कर चुपचाप भारत लौट जाना चाहिए? रंगभेद की खतरनाक बीमारी से उनका सामना हुआ था। ऐसी परिस्थिति में मां से भाग जाना, अपने देशवासियों को ऐसा छोड़ देना एक कायराना काम होता। उस कृशकाय वकील ने अपने आप को डेविड की भूमिका में देखना शुरू किया जो नस्लीय भेदभाव की वजह से गोलियत पर हमला कर रहा था। गांधी का जीवन, उस रेलवे स्टेशन पर घटी घटना और उसके बाद उनके द्वारा दक्षिण अफ्रीका और भारत में चलाए गए जन आंदोलनों तक सीधा प्रवाह में बहता है। तो गांधी चाहते तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के और जो भी हर्जन आता वो लेकर वापस जो है भारत आ सकते थे, पर गांधी ने नस्ल भेद जो वहाँ था उसके खिलाफ लड़ने का तय किया और वो वहीं रुके रहे। और गोरी सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक करते रहे, उनकी नीतियों की आलोचना करते रहे और निडरता से अपना काम करते रहे। इस बीच वो भारत एक बार वापस लौट के आए कुछ दिनों के लिए। तो भारत जब लौट के आए तो वहाँ यहाँ आकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो गोरी सरकार बैठी थी उसके खिलाफ, जो भी उनकी नीतियाँ थी उनके खिलाफ पर्चे बंटवाए, प्रचार किया कि ऐसा ऐसा वहाँ नस्ल भेद है और हम ऐसा वहाँ कर रहे हैं। तो वहाँ के कार्यकारी प्रधानमंत्री था एक क्या नाम से, जनरल हैरी एस्कॉम्ब, उसने गांधी को सबक सिखाने का निर्णय लिया। जब गांधी अपने परिवार के साथ वापस दक्षिण अफ्रीका लौट रहे थे तो वहाँ के प्रधानमंत्री एस्कॉम्ब ने गोरों को ये कहकर भड़काया कि गांधी वहाँ से सैकड़ों लोगों को ला रहा है गोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए और उनको सबक सिखाने के लिए। तो गांधी के खिलाफ गोरों का रोष प्रकट हुआ, आंदोलन किए और स्थिति खतरनाक मोड़ तक पहुंच गई और प्रधानमंत्री को भी लग गया कि यह अब पकड़ से बाहर हो गया। तो जहाज को 21 दिन तक समुद्र में रोकना पड़ा और जब गोरे थक गए और जाने लगे, भीड़ छटने लगी, तो गांधी को सलाह दी गई कि आप गुप्त रास्ते से अपने घर पहुंच जाओ। गांधी को यह गवारा नहीं हुआ, वो सामने के दरवाजे से निकले
और निकल के अपने रास्ते से जा रहे थे, कुछ गोरों की नज़र पड़ी तो गांधी को पहचान लिया गया और गांधी पर टूट पड़े, लाठियों से, लातों से, घूसों से प्रहार करने लगे। संयोग से उधर उस शहर की एसपी की धर्मपत्नी उधर से निकल रही थी, वो गांधी को जानती थी, उसने हिम्मत करके और भीड़ में गांधी को बचाया और पुलिस वालों से कहा कि इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जाए और इनकी जो है वहाँ पर मरहम पट्टी की जाए। गांधी लगभग बेहोश हो चुके थे, वहाँ पहुँचाया गया और वहाँ पर मरहम पट्टी की, वहाँ भी गोरों की भीड़ इकट्ठी हो गई और होश में आने के बाद गांधी ने कहा कि परिवार कहाँ है, तो बताया गया आपके परिवार को सकुशल घर पहुँचा दिया गया है, अब आप से विनती है कि बाकी यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारा निवेदन ये मान लीजिए कि आप सामने के दरवाजे से मत निकलिए, बाकी यात्रियों को भी खतरा हो सकता है। गांधी ने उनकी बात मान ली और घर पहुंचे और ये मामला रफा दफा हो गया। उनसे पूछा भी गया कि आप कुछ लोगों के खिलाफ अगर शिकायत दर्ज करना चाहते हो तो बताइए। उन्होंने कहा कि इसमें भीड़ का कोई दोष नहीं है, भीड़ ने वही किया जो उनको उकसाने वाले ने किया था, उनका इशारा वो एंस्कोप कार्यकारी प्रधानमंत्री की ओर था। रफा दफा हो गया। अब यहाँ से गांधी का जो है सत्याग्रह का जो मूवमेंट है वो शुरू होता है। इसके कुछ दिनों बाद गांधी को मौका मिला और ये मौका दिया गोरी सरकार ने, ये आदेश निकाल कर दिया कि भारतीयों को अपनी अंगुलियों के निशान रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके देने हैं और वहाँ से अपना पहचान पत्र लेना है और उसको हमेशा अपने पास रखना है। गांधी को ये नागवार गुजरा, ये नस्ल भेद के खिलाफ था, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लोगों को इकट्ठा किया, प्रदर्शन किए, रैलियां की। इसके लिए गांधी को 2 महीने के जेल की सजा हो गई। अब की बार गांधी का जो सामना था वहां जनरल स्मर्ट्स थे था, तो हुआ यह कि जनरल स्मर्ट्स ने गांधी को समझाया कि आप एक बार पंजीयन करवा लें और धीरे धीरे हम इसको विड्रॉ कर लेंगे पूर्णतः। गांधी का विचार था कि प्रतिद्वंदी कैसा ही हो, एक बार उसका विश्वास किया जाना चाहिए। गांधी ने यह बात मान ली और वो वापस छोड़ दिए गए। अब हुआ क्या कि लोग जो उनके इस आंदोलन में जुड़े हुए थे भारतीय, वो नाराज हो गए और इतने नाराज हुए कि गांधी पर पैसे लेकर समझौता करने की बात, आरोप गांधी पर लगा दी। गांधी ने बहुत समझाया पर लोग बड़े क्रोध में थे, भारतीय आक्रोश में थे कि गांधी ने हमारे साथ गद्दारी की है। तो जिस दिन पंजीयन कराने की डेट तय हुई थी उस दिन गांधी ने पंजीयन कराने जाना तय कर लिया और वो निकल गए। रास्ते में कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक के पूछा कहाँ जा रहे हैं गांधी आप, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है अपनी अंगुलियों के निशान देने जा रहा हूँ और पहचान पत्र बनाने जा रहा हूँ और आप भी चलिए और ये सरकार ने वादा किया है कि ये वापस कर लेगी और अगर नहीं करेगी तो लड़ेंगे। पर गांधी की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उस भीड़ का जो नेतृत्व कर रहा था वो एक पठान था, उसका नाम था मीर आलम। तो गांधी को जाते हुए देख के गए और वो मीर आलम और कुछ उसके साथी उस पर टूट पड़े गांधी पे और पूरी तरह से मारा, तो बेहोश हो गए। फिर उनकी मरहम पट्टी हुई। जो ही होश में आए उन्होंने पूछा कि मीर आलम कहाँ है, देखिए उनकी सहृदयता कि मीर आलम कहाँ है। उन्होंने कहा कि वो भाग गया है और पुलिस उनको पकड़ने में लगी हुई है। तो गांधी ने कहा कि उसका इसमें कोई दोष नहीं है, पुलिस को उसे नहीं पकड़ना चाहिए, उसने जो ठीक समझा मेरे बारे में जो धारणा बनी वो उसका विचार था,
और मैं जो ठीक समझ रहा था वो मैं अब कर रहा था, इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। गांधी जी रजिस्ट्रार ऑफिस गए, पंजीयन कराया। इधर मीर आलम को हिरासत में भी भेज दिया गया। आगे चलकर जनरल स्मर्ट्स मुकर गए और इसको विड्रॉ नहीं किया। ये गांधी के साथ विश्वासघात था। तो गांधी ने कहा कि भाई हमने अवसर दे दिया, विश्वास किया, अब आंदोलन करने के अलावा कोई चारा नहीं। तो इकट्ठा किया और जिन जिन ने भी ये पहचान पत्र बनाए थे उन्होंने उसको जलाने का तय किया। लगभग 3,000 लोगों ने जलाया। अब इसके लिए गांधी को फिर धर लिया और उस 6 माह की कैद हो गई। 6 माह की कैद हो गई, अहिंसक तरीके से आंदोलन चलता रहा बाहर। गांधी झुके नहीं, संयम रखा, भीड़ ने भी। जनरल स्मर्ट्स थक गए और गांधी को रिहा कर दिया और ये कानून भी वापस ले लिया। तो गांधी बिना डरे निर्भय होकर इतनी बड़ी शक्ति, इतना बड़ा साम्राज्य जिसका पूरी दुनिया में उस समय शासन था, जिसका कहते हैं सूर्य अस्त नहीं होता था, बिना अस्त्र शस्त्र के भिड़ गए अकेले और कानून सरकार को वापस लेना पड़ा। आगे चलकर सरकार ने गांधी को फिर सत्याग्रह करने का मौका दिया। सरकार ने एक आदेश निकाला कि ख्रिस्ती पद्धति से जो विवाह नहीं होंगे उन भारतीय स्त्रियों को दक्षिण अफ्रीका में नहीं रहने दिया जाएगा, उनको यहां से जाना पड़ेगा, या कोई आएगी भारत से और उसका ख्रिस्ती पद्धति से विवाह नहीं हुआ तो उसको यहां नहीं रहने दिया जाएगा, वापस लौटाया जाएगा। ये बड़ा अपमान था भारतीयों का। फिर आंदोलन हुए और वही अहिंसक तरीके से और दबाव में ये सरकार को वापस लेना पड़ा। फिर गांधी की जीत हुई, पर इस समझौते से कुछ मुस्लिम भाइयों को यह संदेह हुआ कि हो सकता है कि इस समझौते में एक शादी का प्रावधान रखा हो, और चूंकि इस्लाम में एक से अधिक शादी करने की इजाजत है, अगर ऐसा समझौता हुआ तो ये हमारे पास साथ विश्वासघात होगा। तो गांधी को जो है वहाँ मस्जिद में बुलाया गया। लोगों ने कहा कि भीड़ बड़ी आक्रोशित है, गुस्से में है, आप मत जाइए। गांधी ने कहा नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। गए वो और वहाँ जाते ही जो है भीड़ उनकी तरफ आक्रामक होकर टूटने वाली थी और एक व्यक्ति खंजर लहराता हुआ गांधी के सामने खड़ा हो गया। गांधी भाई पे कोई भी अगर प्रहार करेगा उसे मुझे इस छुरे मेरे छुरे का सामना करना पड़ेगा। और ये नौजवान वही पठान था जिसका नाम मीर आलम था, जिसने गांधी को बुरी तरह से पीटा था। तो गांधी निडर तो थे ही, निर्भीक तो थे ही, पर अपने प्रतिद्वंद्वी का हृदय परिवर्तन भी करते थे। उधर जनरल स्मर्ट्स का परिवर्तन किया, उसको छोड़ना पड़ा, उसको जो है समझौता करना पड़ा। सारे जो रंग भेद के, नस्ल भेद के जो कानून बनाए थे समाप्त करना पड़ा। यहाँ मैं बता दूं कि इस गांधी के जो संयम और जो अहिंसा का जो उसका तरीका लड़ने का था, और जो उसने धैर्य और संयम से उनको मजबूर किया समझौते के लिए, उससे प्रभावित होकर जनरल स्मर्ट्स ने गांधी को पत्र लिखा। और पत्र में क्या लिखा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
मैं आपके आदमियों को पसंद नहीं करता और उनकी जरा भी परवाह नहीं करता, लेकिन मैं क्या करूं, आपने जरूरत के समय हमारी मदद की है। अब क्या मदद की है ये विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, वो हम आप पर हाथ कैसे डाल सकते हैं। हम अक्सर चाहते रहे थे कि आप अंग्रेज हड़तालियों की तरह हिंसा का सहारा लेते और हम तुरंत समझ जाते कि आपसे कैसे निपटा जाए, लेकिन आप तो दुश्मन को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, आप अकेले स्वयं को दुख देते हुए और सौजन्य तथा मर्यादित आचरण की स्वयं के द्वारा आरोपित सीमाओं का कभी भी उल्लंघन न करते हुए अपनी विजय चाहते रहे हैं, और ये चीज हमें निराअसहाय बनाकर छोड़ देते हैं। तो गांधी का जो अहिंसा का बल है, जिसने ब्रिटिश सरकार के समक्ष ऐसी नैतिक दुविधा उत्पन्न कर दी थी कि वो ऐसा हो गए थे, उनको झुकना पड़ा था। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि गांधी जो है कभी भी अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ कोई घृणा या क्रोध नहीं रखते थे, वो चाहते थे कि इसका हृदय परिवर्तन हो जाए और ये अच्छा आदमी हो जाए और सबका सहयोग करे, हिंसा का रास्ता छोड़े, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चले। तो यहाँ पर एक बात मैं बताता चलूँ कि जिस दौरान जनरल स्मर्ट्स की जेल में जब गांधी रहे, तो गांधी ने जनरल स्मर्ट्स को अपने हाथों से चप्पल बनाकर भेंट की थी। तो गांधी केवल सत्य और अहिंसा के ही पुजारी नहीं थे, वो बहुत बड़े चर्मकार भी थे, चप्पल जूते भी बहुत अच्छे बनाते थे। तो उन्होंने जेल में रहते हुए चप्पल बनाई और अपने प्रतिद्वंदी जो जनरल स्मर्ट्स था उसको भेंट के स्वरूप में चप्पल दे के आए। तो यहाँ पर जनरल स्मर्ट्स जो है, जब वो रहे गांधी जेल में और गांधी ने उनको एसआई करके छोड़ दिया, तो उन्होंने एक वो गांधी अभिनंदन ग्रंथ लिखा एक, उसमें लिखता है जनरल स्मर्ट्स, महात्मा जैसे व्यक्ति हमें मायूसी और निष्फलता की भावना से बचाते हैं और भलाई करने में भी कभी नहीं थकने की प्रेरणा देते हैं। दक्षिण अफ्रीका के यूनियन के प्रारंभिक दिनों में हम लोगों के संघर्ष की कहानी स्वयं गांधी ने बताई और उसे सब जानते हैं। एक ऐसे व्यक्ति का विरोध करना मेरे भाग्य में बदा था जिसके लिए उस समय भी मेरे मन में अत्यधिक मान था। वह कभी भी किसी भी स्थिति के मानवीय पक्ष को नहीं भूले, गांधी के लिए कह रहे हैं जनरल स्मर्ट्स, न कभी क्रुद्ध हुए, न घृणा के वशीभूत हुए, और सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उनकी विनोद भावना स्थिर रही। विनोद भी बहुत करते थे बीच में, कितनी कठिन परिस्थितियों, कितनी तनाव वाली है। जनरल स्मर्ट्स हमारे आज के युग में जो निर्दयी पर उससे भावना उस समय भी सर्वथा भिन्न थी और बाद में भी रही। मुझे साफ स्वीकार करना चाहिए कि उस समय उनकी वृत्तियां मेरे लिए बड़ी परेशानी की थी। गांधी की एक नई कला थी, उनकी पद्धति जानबूझकर कानून तोड़ने और अपने अनुयायियों को एक जन आंदोलन के रूप में संगठित करने की थी। दोनों प्रदेशों में एक भयंकर और बेचैनी भरी हलचल पैदा हो गई। बहुत बड़ी संख्या में भारतीय गैर कानूनी व्यवहार के लिए गिरफ्तार करने पड़े और गांधी को जेल में आराम और शांति का समय मिल गया, जो कि वह निस्संदेह चाहते थे। बहुत बड़ा उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। तो आगे वो क्या कहते हैं, इसी तरह से इनकी ये जो संयम और अहिंसा की ताकत और जो धैर्य है उसको देखते हुए एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गिलबर्ट ने क्या लिखा है उसको देखिए आप। इस आदमी से व्यवहार करने में सावधान रहो, क्योंकि ये न तो भोगों की तनिक भी परवाह करता है, न शरीर सुख की या प्रशंसा की वृद्धि की करता है, बल्कि ये तो वह काम करने पर कटिबद्ध रहता है जिसे वह ठीक समझता है। वह एक खतरनाक और परेशान करने वाला शत्रु है, क्योंकि उसका शरीर, जिसे आप कभी भी जीत सकते हैं,
किंतु उसकी आत्मा को वह जरा भी पकड़ में नहीं आने देता। तो ये बात है कि जनरल स्मर्ट जैसे आदमी को भी ऐसा करना, गोरी सरकार को अपने इन सत्य और अहिंसा और जो अभय का जो उन्होंने व्रत लिया हुआ था उसके पालन से वहाँ बड़ी जीत दर्ज की। और जैसा हम सब जानते हैं कि लगभग 2 दशक का समय उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताए और 1915 में वो भारत लौटे। भारत में भी ब्रिटिश साम्राज्य का दमन था, लोग त्रस्त थे, कांग्रेस और दूसरे लोग आज़ादी के लिए अपने प्रयास में लगे हुए थे। गांधी ने आते ही अपने गुरु, जो राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले, उनसे भेंट की। गोखले ने एक ही मंत्र दिया, गांधी तुम्हें भारत को समझने के लिए पहले भारत की यात्रा करनी चाहिए। तो गांधी लगभग 2 साल तक पूरे भारत की भ्रमण करते रहे। बाद में ऐसा हुआ कि चंपारण, जहां नील की खेती से वहां के किसान बर्बाद हो गए थे, और गांधी की जो दक्षिण अफ्रीका की बहादुरी के किस्से थे वो सुने थे, तो वहां के लोगों ने गांधी को आमंत्रित किया और ये निवेदन किया कि हमारे लिए कुछ गांधी करें। गांधी उनके बुलावे पर गए। गांधी के वहां जाने के समाचार सुनते ही बिहार के चारों तरफ से लोग चंपारण की तरफ कूच कर गए। प्रशासन के लिए संभालना मुश्किल हो गया, धारा 144 लगा दी गई और गांधी को वहां पर न आने देने के लिए कहा गया चंपारण। पर गांधी नहीं माने, गांधी गए और वहां पर किसानों के लिए जो कुछ कर सकते थे वो किया। और चूंकि उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन किया था, इसलिए उनके पास एक सरकारी आदेश आता है मजिस्ट्रेट का कि आप इतनी तारीख को, चूंकि आपने धारा 144 का उल्लंघन किया है, अपनी बात कहने के लिए आए। तो वो वहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद गांधी ने जो जज के सामने जो बात कही, तो क्या कहा ये सुनिए आप। उन्होंने कहा कि आज यहां मैंने जो बयान पेश किया है उसका मकसद ये नहीं है कि मेरा दंड कम कर दिया जाए, बल्कि उसका मकसद ये जाहिर करना है कि मैंने सरकार के आदेश की जो अवहेलना की है उसकी वजह से सरकार के प्रति मेरी अश्रद्धा नहीं है, बल्कि इसलिए कि मैं सरकार से भी उच्चतर कानून, अपनी अंतरात्मा के कानून का पालन करना उचित मानता हूं। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, मैंने जो है धारा 144 का उल्लंघन किया है, पर ऐसा नहीं है कि मेरा जो है आपके कानून के प्रति, पर जो मुझे उचित लगा वो मैंने किया और इसकी जो सजा होगी मुझे कबूल है। तो जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, भाई आप जो है 100 रुपये जमानत के मुचल के जो है भर दीजिए, मुचल का हम आपको आज़ाद कर देंगे। गांधी ने कहा 100 रुपये नहीं है मेरे पास। जज ने माथा पकड़ लिया। अब जज ने अपने जेब से 100 रुपये मुचलके के भरे और गांधी को दिया। तो ये एक छोटी सी कहानी चंपारण की है। भारत के लोगों को जगाने के लिए पर्याप्त था। गांधी ने अब भारत में अपने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चंपारण से एक युद्ध का आगाज कर दिया बिना अस्त्र शस्त्र के। और जो डरे हुए लोग थे, डर था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उनके पास जेलें थी, बंदूकें थी, लाठियां थी,
ताकत थी, शक्ति थी, इससे डरे हुए थे। गांधी ने, चूंकि वो तो अपने डर से मुक्त थे ही, भारतीयों में एक अभय, एक निर्भरता, एक निडरता भर दी, और लोग अब खुलेआम कानून का उल्लंघन करने लगे और गोरी सरकार के खिलाफ कूद पड़े और जेलें भरने लगे। लोगों का गांधी ने भय निकाल दिया। गांधी ने एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन की धारा ही बदल दी। लोग पहले डरते थे, अब कोई डर नहीं है। क्या करेंगे आप, जेल भेज देंगे, फांसी पर लटका देंगे, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो यहाँ पर अजय एक बात और है, मतलब गांधी खुद तो डरते ही नहीं थे, पर गांधी के साथ जो रहने वाले थे और वो जानते थे कि गांधी के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। तो वो क्या है कि कुछ लोग जो है गांधी को ये सोच के और एक तरह से एस्कॉर्ट देते थे कि गांधी के साथ कुछ भी हो सकता है, उनका बचाव किया जाना चाहिए। तो गांधी के वहाँ जो टॉलस्ट आश्रम बनाया होता दक्षिण अफ्रीका की मैं बात कर रहा हूँ, एक वापस याद आ गया वाक्य। तो वहाँ क्या है कि जर्मन का एक गांधी का मित्र था, कैलन बेक, तो वो वहाँ जो है गांधी के साथ ठहरा हुआ था। तो गांधी पर हमला हो सकता है इस आशंका से कैलन बेक अपने जेब में पिस्तौल रखने लग गया। गांधी जी ने एक बार उसके जेब को देखने का मौका मिला तो उसमें पिस्तौल थी। तो उन्होंने पूछा, मिस्टर बेक, ये क्यों, ये पिस्तौल क्यों तुम्हारी जेब में? कैलन बेक शक पकाकर बोले, कुछ नहीं, ऐसे ही। तो गांधी जी ने मुस्कुराकर कहा, क्या टॉलस्टॉय और रस्किन की पुस्तकों से यही सीखा है? कैलन बेक शर्मिंदा हुए और बोले, मुझे लगा कि कुछ लोग आप पर हमला कर सकते हैं। गांधी जी ने हंसकर कहा, अच्छा, और आप मुझे उनसे बचाना चाहते हैं? कैलन बेक ने कहा, जी हाँ, इसीलिए तो मैं पिस्तौल साथ लेकर चलता हूं। गांधी जी बोले, वाह, जो काम ईश्वर का है उसे आपने अपने हाथों में ले लिया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। जब तक आप हैं मुझे अपने आप को सुरक्षित समझना चाहिए। आप मुझसे प्रेम करते हैं, इसके कारण आपने ईश्वर का अधिकार छीनने का साहस किया है। ईश्वर का अधिकार छीनने का साहस किया है, ये ईश्वर के प्रति श्रद्धा का लक्षण नहीं है। मेरी फिक्र मत करो, इस पिस्तौल से आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते। कैलन बेक को भूल का एहसास हुआ, माफी मांगी और उन्होंने पिस्तौल को फेंक दिया। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि गांधी जो है, अगर ऐसा लगता था कि मेरे साथ रहते हुए भी कुछ लोग हिंसक हो सकते हैं और मेरी जान की परवाह करते हैं और हिंसा अख्तियार कर सकते हैं, तो उनको भी बख्शते नहीं थे। जैसे कैलन बेक का एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं आपको, वो कितने निडर थे। दक्षिण अफ्रीका का ही था, वो अपने दोस्त पोलक और उनकी पत्नी मिसेस पोलक के साथ एक रात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रम देख के आ रहे थे। रात हो गई थी, घर जा रहे थे और तीनों साथ थे। कुछ तेज कदम चलते हुए गांधी थोड़ा उनसे आगे निकल गए और वो दंपति पीछे रह गया। कैलन बेक की पत्नी, सॉरी, पोलक की पत्नी की नज़र आगे जो गांधी चले गए थे उन पर नज़र पड़ती है, तो एक चौराहे से एक नवयुवक निकलता है और गांधी के साथ शुरू हो जाता, चलना शुरू कर देता है और फिर वो पीछे पीछे आके उनके साथ हो जाते हैं और इतने में वो नवयुवक चला जाता है, कुछ एक बंडल सौंप के गांधी को। तो पोलक की पत्नी ने पूछा कि ये कौन था, क्यों आया था और क्या देख के गया आपको? तो गांधी ने हंसकर कहा, देखो कितना निडर आदमी, ऐसे में भी हंस रहा है। गांधी ने हंसकर कहा कि वो मुझे मारने आया था, पर मैंने उसको समझा दिया यार, अब हम दोस्त हो गए, अब वो मुझे कभी नहीं मारेगा। तो कह दिया, आपके हाथ में क्या देखे गया है? तो गांधी ने मिसेस पोलक के हाथ में बंडल छपा दिया। तो मिसेस पोलक ने खोला तो उसमें खंजर था लंबा सा। तो वो तो डर के मारे विस्मित हो गई, गांधी आपको मारने आया था, आप जो है हंस रहे हैं और उसको जाने दिया। तो ऐसा नहीं, मुझे मारने आया था, मैंने उसको समझा दिया, अब मेरा दोस्त हो गया, अब मुझे कभी हमला नहीं करेगा। खैर आगे चलते हैं। तो देखिए, भारत में चंपारण से शुरू हुआ उनका, और
1920 में आप सब जानते हैं असहयोग आंदोलन हुआ, पूरा राष्ट्र नींद से जागा हुआ। 1857 के बाद 1920 में ऐसा आंदोलन ब्रिटिश सरकार ने देखा था जिससे वो हिल गए और लगता था कि बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। पर दुर्भाग्य से चोरी चारा कांड हो गया, उसमें कुछ सिपाहियों की मौत हो गई प्रदर्शनकारियों द्वारा, गांधी ने विड्रॉ कर लिया। अब आप देखिए ब्रिटिश सरकार की चालाकी, जब तक आंदोलन तीव्र गति से चल रहा था गांधी को धरने की हिम्मत नहीं हुई। जो ही आंदोलन शांत हुआ गांधी को सजा हो गई। और आप देखेंगे और जेल में जब गांधी को वहाँ न्यायालय न्यायाधीश के सामने पेश किया, फिर गांधी ने वही कहा कि बिल्कुल मैंने जो है ना अपने राष्ट्र देशवासियों के लिए किया है और यदि कानून का उल्लंघन किया है तो मैं सजा की मांग करता हूँ। तो वो क्या कहते हैं जज के सामने, सुनिए। मैं जानता था कि मैं आग से खेल रहा हूँ, फिर भी मैंने ये खतरा लिया और अगर मैं छोड़ दिया गया तो फिर वही काम करूँगा। अभी मैं जो कर रहा हूँ वह कह रहा हूँ वह न कहूँ तो अपने प्रति अन्याय करूँगा। मैंने हिंसा को टालना चाहा था, आज भी टालना चाहता हूँ। अहिंसा मेरे विश्वास और नीति की पहली और आखिरी शर्त है। मैं जानता हूँ कि कभी कभी मेरे देशवासी उन्मत्त हुए हैं, उसके लिए मैं दुखी हूँ और इसी कारण आज मैं यहाँ हूँ। मामूली सजा के लिए नहीं, कठोर से कठोर सजा के हाथों अपने को सौंपने के लिए तैयार हूँ। मैं दया नहीं चाहता, ये प्रार्थना भी नहीं करता कि मुझे हल्की सजा दी जाए। कानून की नज़र में जो जानबूझकर किया गया अपराध है, लेकिन मेरी नज़र में किसी भी नागरिक का इससे बड़ा दूसरा कर्तव्य नहीं है। इसी से आज मैं हंसते हंसते उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा पाने के लिए आया हूँ। अतएव जज महोदय, आप लोग जो कर सकते हैं वह ये है कि या तो इस्तीफा दे दें या मुझे कड़ी से कड़ी सजा दें। अब आप देखिए कि एक आदमी ये कह रहा है कि मैंने कानून का उल्लंघन किया है और मुझे रियायत की भीख नहीं चाहिए, कानून के अनुसार जो सजा हो दी जाए। जज ने माथा पकड़ लिया, उन्होंने उसने भी कहा जज ने भी कि ऐसा जो है मेरी अदालत में कभी कोई आया नहीं मुजरिम और न आएगा, पर क्योंकि मुझे कानून का पालन करना है इसलिए सजा तो देनी पड़ेगी। गांधी को 6 साल की सजा हुई, खैर सजा हो गई, वो चले गए। पर एक परिवर्तन आया कि उत्साह का निडरता का संचार भारतीय जनता में जबरदस्त हो गया। और एक बात और मैं बताऊं आपको कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को किसी की जान लेने का प्रशिक्षण दिया जाता है, उसी प्रकार गांधी ने दूसरी तरह से अपनी जान सत्याग्रह के लिए जान देने का प्रशिक्षण बार बार दिया, कई मौके आए। चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में जहाज से उतरने पर लगभग मृत हो गए थे, मीर आलम पठान द्वारा मारने पर लगभग मृत्यु के दरवाजे पर पहुंच गए थे, पर अपने जो है कदम को कभी पीछा नहीं खींचा, आगे बढ़ते रहे। इसके बाद भी ऐसे कई अवसर आए, मौत उनको यहाँ बार बार दस्तक देती रही पर वो डिगे नहीं, आगे बढ़ते रहे। एक दो वाक्य और हुए, जैसे एक बार पुणे के नज़दीक पंचगनी में एक व्यक्ति ने उनके ऊपर चाकू से वार करने की कोशिश की थी, वो बाल बाल बचे। इसी प्रकार एक बार वो जिन्ना से समझौता वार्ता के लिए जाने वाले थे, उनके आवास को घेर लिया गया था, तो जिन लोगों ने घेरा था उनकी तलाशी ली गई तो एक व्यक्ति के पास लंबा सा छुरा मिला। और इसी तरह से एक बार वो रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे, कुछ लोगों ने रेलगाड़ी को पलटकर उनकी जान लेने की का भी प्रयास किया, पर वो उस गाड़ी में सौभाग्य से नहीं थे और वो बाल बाल बचे। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा सत्य के लिए और
साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी जान न्योछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहे, डरे नहीं और हमेशा। अब आगे देखिए, क्योंकि माहौल बड़ा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तैयार हो गया था, लोग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ रहे थे, दुर्भाग्य से यहाँ पर एक सांप्रदायिकता के आधार पर हिंसक गतिविधियाँ भी दोनों समुदाय हिंदू मुस्लिम शुरू हो गई थी। मैं आता हूँ 1946 में, जब जिन्ना ने सीधी कार्रवाई का आह्वान किया तो कलकत्ता में उस समय के जो सुवार वर्दी थे वो सत्ता में थे, उनकी सह पर कलकत्ता में नरसंहार हुआ और ये हिंसा का दौर चल पड़ा। इससे ज़्यादा जो है नोआखली में, जो अब तो खैर वो बांग्लादेश में है, नोआखली में हिंदुओं का ज़बरदस्त कत्लेआम हुआ, जबरदस्त नरसंहार हुआ, गांधी की आत्मा रो पड़ी। गांधी नोआखली के लिए अपने कुछ शिष्यों के साथ चल पड़े और नोआखली ऐसा दूरदराज इलाका, जो दलदल है, रास्ते नहीं हैं, कांटे हैं, कई जगह पुल से जाना पड़ता है, रस्सियों के पुल से जाना पड़ता है। तो आप देखिए कि नोआखली में वो लगभग 49 दिन रहे और गांव-गांव में सुबह 4 बजे उठते थे प्रार्थना करते हुए, गांव-गांव में गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए गाते हुए, एकला चलो रे गाते हुए पूरे नोआखली का दौरा किया। और कहीं रात हो गई, किसी के भी यहीं रुक गया, किसी ने दरवाज़ा बंद कर लिया, अगले दरवाजे पे चले गए, जो दिया खा लिया। और वहाँ पर उनको बहुत यातनाएँ झेलनी पड़ी, पत्थर फेंके गए, कांच के टुकड़े फेंके गए, कांटे फेंके गए, उनके पांव छिल गए, लहूलुहान हो गए, पर वो रुके नहीं। और वो वहाँ से जब नोआखली शांत हो गया तभी निकले। इधर उसका परिणाम क्या हुआ कि बिहार में उसकी प्रतिक्रिया में मुसलमानों का नरसंहार शुरू हो गया। वो हमेशा कमजोर के साथ थे, अब वो बिहार चले गए और मुसलमानों के पक्ष में खड़े थे और हिंदुओं को समझा रहे थे, लताड़ रहे थे और बिहार को शांत किया। अब आगे की घटना ये होती है कि 47 में 3 जून को जो ही विभाजन की घोषणा होती है, उत्तर भारत खास तौर से पंजाब, उत्तर प्रांत और पश्चिम बंगाल, ये हिंसा की आग में झुलस गए। कलकत्ता विशेष तौर से कलकत्ता के लिए रवाना हुए। कलकत्ता पहुंचते ही आप देखिए गांधी की, वहां जाते ही वो सुहार वर्दी के घर गए और सुहार वर्दी से मिलते ही छूटते ही ये कहा, वो शहीद सुहार वर्दी कहलाते थे, तो गांधी ने कहा शहीद साहब आपको लोग गुंडे क्यों कहते हैं? तो सुहार वर्दी छकपका गए। सुहार वर्दी ने कहा महात्मा जी आपको भी कई लोग क्या क्या कहते हैं ये हम भी जानते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि कुछ लोग तो मुझे महात्मा भी कहते हैं, आपको तो सारे गुंडे कहते हैं। खैर आप देखिए कि ब्लंटली ऐसा कहना। और फिर सुहारवर्दी ने कहा कि गांधी जी आप आए हैं तो आपकी वजह से ये हिंसा रुक सकती है, आप इसके रोकथाम में हमारी मदद कीजिए। गांधी ने कहा एक ही शर्त है कि जहां मैं ठहरूंगा आपको ठहरना पड़ेगा। अब वो सुहार वर्दी के लिए मुश्किल हो गई, पर क्या करता, हिम्मत जुटाई, गांधी के साथ रहे। गांधी ने वहां पर लोगों का हृदय परिवर्तन के लिए वहां पर अनशन भी किया, लोगों का हृदय परिवर्तन भी हुआ, कलकत्ता शांत। 55,000 की सेना पंजाब दिल्ली और सीमा प्रांत पे जो नहीं कर पाई, 55,000 की संख्या में सैनिक जो नहीं कर पाए वो अकेले नियत बंगाल में गांधी ने कर दिया, ये करिश्मा था। तो माउंटबेटन ने कहा कि गांधी अब आपकी जरूरत जो है ना इधर दिल्ली पंजाब में आप आइए। जब कलकत्ता शांत हो गया तो इधर आए, पंजाब जाने वाले थे, दिल्ली से लग उठा
दिल्ली वहाँ रुके, वहाँ पर लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ, समझाइश चली, लोगों ने लिख के दिया, सभी वर्ग के लोगों ने लिख के दिया कि हम हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, हम प्रण करते हैं, प्रेम से रहेंगे, सद्भावना से रहेंगे। गांधी ने अनशन तोड़ा, लगभग वो मृत्यु के द्वार पर पहुंच चुके थे उस समय तक। तो अब ये जब थोड़ा सा ये हुआ तो गांधी ने अनशन तोड़ दिया, सामान्य हालात होने लगे। उनका विचार था कि पाकिस्तान में भी जो हिंदुओं के साथ हो रहा था वहाँ भी जाकर वो अपने प्रयास करें। तो वो जाते उससे पहले 20 जनवरी को 1948 को उनकी प्रार्थना सभा में मदन लाल पाहवा नामक एक ये विस्थापित था, रिफ्यूजी था, वो गुस्से से भरा हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से आया था, तो गांधी जी को गलत समझते हुए गांधी की तरफ बम फेंका। बम फटा, गांधी बाल बाल बचे, कोई जनहानि नहीं हुई। मदन लाल पाहवा को पकड़ लिया गया, सारी बातें हुई। इसके बाद गांधी को खूब समझाया गया कि आपकी सुरक्षा के लिए हम ये करते हैं कि जो भी प्रार्थना सभा में आएंगे उनकी हम तलाशी लेंगे और ये सारी सुरक्षा के बंदोबस्त चाक चौबंद करेंगे। गांधी ने मना कर दिया कि मेरी प्रार्थना सभा में किसी की तलाशी की जरूरत नहीं है और उनके कहे का उल्लंघन जो है करने की किसी की स्थिति नहीं थी। तो जिसका डर था वही हुआ और आखिरकार 30 जनवरी को 1948 को गांधी को गोपाल नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी, तीन गोलियां मारी और गांधी अपनी जान पर खेलते हुए स्वतंत्र भारत हमें सौंप कर चले गए। पर यहाँ पर मैं फिर कहूँगा कि ऐसा आदमी जिसके पास न कोई तलवार थी, न बंदूक थी, न गोली थी, और ऐसे साम्राज्य से, ऐसे शक्तिशाली साम्राज्य से जिसके पास उस समय का विश्व का सबसे शक्तिशाली पार्श्विक बल था, उसको चुनौती दी और यहाँ से उनको भगाया। ये सब कुछ जो हुआ वो निर्भयता के कारण हुआ, उनकी निडरता के कारण हुआ और इसी निडरता से उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा का पालन किया। बिना निडर हुए इन दोनों का पालन नहीं हो सकता। तो मेरा जो कहने का अभिप्राय यह है कि आपको अगर सत्य के रास्ते पर चलना है तो निडर होना पड़ेगा। व्यवस्था के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ, जहाँ भी कुछ अन्याय हो आपको निडर होकर बोलना पड़ेगा। बिना जो है, अगर भय है तो आप नहीं बोल पाएंगे, सत्य नहीं बोल पाएंगे, नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जितना हो सके, हम गांधी तो नहीं बन सकते पर गांधी के मार्ग पर चलने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। और हम, मैं, आप सब यही प्रार्थना करें कि हमें इतना साहस दे कि हम निडर हों, अन्याय के खिलाफ खड़े हों और जहाँ कहीं भी गलत हो उसका विरोध करें। अंत में मैं चूंकि आज, हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि गांधी जी न गोली से डरे, न बंदूक से डरे, न जेल से डरे, न गरीबी से डरे, किसी से नहीं डरे, बड़े से बड़े वायसराय कोई हो। पर एक बात है कि गांधी बा से जरूर डरते थे, कस्तूरबा से। ये बात है विनोद की, पर इसका जो पुष्टिकरण है वो राजगोपालाचार्य ने भी किया। एक बार क्या हुआ कि आश्रम में बा दोपहर के वक्त आराम कर रही थी रसोई से निमट के, गांधी जी चुपके से रसोई में गए और उसके साथी जो कुछ लोग एकाध जो थे, यहाँ एक ही था, उससे जाके बोला कि ऐसा है कि एक घंटे में कुछ मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था करनी है, पर ध्यान रखना है कि बा जग नहीं जाए, बा को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। फिर बा की तरफ देख के कि भाई बा सो रही है, इसलिए तुम काम अपनी शांति से करना और ध्यान रखना, देख अगर बा ऊपर मेरे ऊपर नहीं बिगड़ी ना
तो तुझे इनाम मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि ये अपने मानव समाज की सत्यता है, डरते ही हैं, चाहे कोई गोली से न डरो पर घर पे तो डरते ही हैं। ये अलग बात है कि गांधी स्वीकारते हैं कि भाई मैं बासी रहता था। अंत में चूँकि आज शास्त्री जी की भी जयंती है और शास्त्री जी को भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1962 के युद्ध में भारत का जो मनोबल गिर गया था, 1965 में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जीत दिलाकर और भारत का मनोबल ऊंचा किया, उत्साह बढ़ाया और अन्न के संकट के समय भी जय जवान जय किसान का नारा देते हुए लोगों से कहा कि यदि अन्न का संकट हुआ तो हम निपटेंगे और नहीं निपट पाए तो मैं अपील करूंगा कि हफ्ता में एक वक्त सभी लोग व्रत करें। लोगों ने उसका पालन किया और समस्या से निपटे और ऐसे सादगी वाले जो नेता हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री जी रहे उनके प्रति भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और दोनों को, गांधी और शास्त्री को, मैं विनयांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आशा है मेरा ये जो वार्ता है, ये जो लेख जो बात कही है, पसंद आई होगी। और अंत में जन सरोकार मंच का एक बार पुनः आभार, अभिनंदन, धन्यवाद।